नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज सोनी। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मुद्दे पे, जिसका नाम है कोरोना वायरस। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 14 अप्रैल तक भारत बंद रहेगा, लॉकडाउन सिचुएशन को बोला गया है। और प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द एंटायर लॉकडाउन इन इंडिया टिल 14th of April 2020। तो ये जो लॉकडाउन लगाया है, ये क्यों जरूरी है, इसका आगे हमें क्या फायदा होगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये लॉकडाउन इसलिए है क्योंकि आज कोरोना वायरस के जो एक्टिव केसेस है वो करीब 4,75,000 हैं, जिसमें 21,000 कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है और बाकी केसेस अभी भी एक्टिव हैं। बहुत ही बड़े बड़े देश जैसे कि यूएसए, यूके, स्पेन, इटली, ये इसका बहुत ही ज्यादा इसके शिकार हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। हाल ही में इटली में करीब 7,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ 3,500 हो चुका है। तो जो ये जो देश हैं, इनकी जो जनसंख्या है ये हमारे देश से बहुत कम है। हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि 6 करोड़ वाले देश इटली में ये अभी ये हालात है, तो हमारे देश में हालात कैसे होंगे। तो इसके चलते मोदी जी ने ये बहुत ही बड़ा फैसला किया है लॉकडाउन का। तो कोरोना वायरस फैलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अगर आप किसी भी संक्रमित चीज को अपने अपने शरीर के किसी हिस्से से छूते हैं, फिर वही हिस्सा आप अपनी आंख, नाक या मुंह के अंदर छूते हैं, तो ये वायरस आपके शरीर के अंदर जा सकता है। और अभी जो सिचुएशन जिस हिसाब से है, उस हिसाब से हमें चिंता करने का विषय जरूर है, लेकिन हमें पैनिक नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लॉकडाउन का मतलब ये मत समझिएगा कि आपको जो भी जरूरत की चीजें होगी ये बंद हो जाएगी। नहीं, ये बंद नहीं होगी। सरकार टाइम टाइम पे आपको सब चीज आपके डोर स्टेप पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमें इसके दौरान हमें क्या क्या करना है, इसके बारे में आपको कुछ बात करता हूँ। हम सबको पता है कि ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमें बात है कि हमें सिर्फ घर पे रहना है। स्टे एट योर होम, आप अपने घर पे रहिए, आप कहीं बाहर मत जाइए। अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो या आपको बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तभी आप बाहर निकलिए। और घर में अगर 5 सदस्य हैं तो एक इंसान बाहर जाइए, और बाहर जाते समय आप अपने हाथों में ग्लव्स पहनिए, मुंह के ऊपर मास्क लगाइए और यानी फुल स्लीव्स टी शर्ट पहनिए। फिर जब आप बाहर से कुछ सामान लेके आते हैं, जब आप घर आते हैं, तो आप उस सारे सामान को डिसइनफेक्ट कीजिए, या आइदर उस पर सैनिटाइजर का स्प्रे करिए या फिर उनको गर्म पानी में धो लीजिए। इससे इन्फेक्शन जो अगर चीजों पे होगा तो वो मिट जाएगा। और उसके बाद आप साबुन से या हैंड वॉश से अपने हाथ को 20 से 30 सेकेंड तक अच्छी तरीके से धोएं। दूसरी चीज है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप लोगों से कम 1 मीटर का फासला रखिए। आप कहीं बाहर जाएं या अपने घर के सदस्यों से भी आप 1 मीटर का फासला रखिए, और अपने आंख, नाक और मुंह को बार बार छूने से बचें, और सैनिटाइजर का स्प्रे करते रहें, हैंड वॉश से अपने हाथ धोते रहें। हर अगर आप कोई चीज फर्श को टच करते हैं या आप किसी भी वस्तु को टच करते हैं जो आपको लगता है कि इन्फेक्ट हो सकती है, उसके बाद आप हाथों को धोएं। बस इस चीज का आप ध्यान रखिए। तीसरे बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि घर पे जब आप रहते हैं तो हो सकता है कि आप बोर हों, तो आप ध्यान रखिए कि आप बोर ना हो। बहुत सारे आपके पास साधन हैं, घर वालों के सदस्यों के साथ अपना टाइम व्यतीत कीजिए और एंजॉय कीजिए। देखिए, सिचुएशन घबराने की नहीं है। समटाइम्स द हार्डेस्ट थिंग एंड द राइट थिंग आर द सेम। हमें चीजों को समझना है कि ये हमारे लिए जरूरी है। अगर आज हम अपने आप की मदद करते हैं तो हम पूरे देश की मदद कर सकते हैं। ये 140 करोड़ की आबादी वाले देश की सहायता ऐसे ही की जा सकती है। हेल्प यूर्स बाय हेल्पिंग योरसेल्फ। आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को दूसरों से दूर रखें। ओके, तो इसके बाद में गवर्नमेंट कुछ कुछ बीपीएल फैमिलीज, कुछ गरीब लोग जिनके पास हो सकता है कि कमाई के साधन जो अभी बंद हो चुके हैं, उनको गवर्नमेंट ने कुछ पैसे और धान, अन्न, गेहूं, चावल फ्री में और कुछ कम रेट पे देने का ऐलान किया है। गेहूं 3 रुपए किलो, चावल 2 रुपए किलो। 80 करोड़ लोगों को ये मिलेगा अगले 3 महीनों के लिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, घर पे रहिए। बस साथ ही साथ मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि ये सरकार ऑथराइज्ड कुछ ऐसे वाहन हो जिसमें ये सारा सामान, जो जरूरत का सामान है, वो घर घर, गली गली, मोहल्ले में पहुंचा दिया जाए। इससे एक पैनिक मोमेंट कम होगा
और लोगों के बाहर निकलने के कारण कम होंगे। ठीक है, साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि अगर किसी बिना कारणवश आप बाहर निकलते हैं तो आपको इसके अनुसार आपको सजा भी मिल सकती है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध रहेगा कि अफवाहों से हमें दूर रहना है, साथ ही साथ घर में छोटे बच्चे और बुजुर्गों का सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये वायरस उन्हीं में फैलता है। और अभी जो हालात है हमारे देश के और विदेश के, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, ये सब लोग लगे हुए हैं कि इस बीमारी को नियंत्रित किया जाए। दे आर आउट फॉर आर सेफ्टी, सो वी हैव टू स्टे एट होम फॉर देयर सेफ्टी, बिकॉज सो मेनी डॉक्टर्स हैव ऑलरेडी डाइड। तो हमें ध्यान रखना है कि और डॉक्टर्स ना मरे, हमें उनके सलामती के लिए हमें क्या करना है, ये मेरा खुद का मानना है कि हम हर रात शाम को 7:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर एक कैंडल जलाएं या फिर एक दिया जलाएं, जस्ट फॉर हमें ये बताने के लिए कि हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, हम उनके काम की सराहना करते हैं। साथ ही साथ पुलिस का सहयोग करें। लॉकडाउन के दौरान सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करें। बाकी हर तरह की अफवाहों से आप दूर रहिए और आप और हम मिलके ही इस वायरस को खत्म कर सकते हैं। इसके बहुत सारे केसेस जो हैं रिकवर भी हुए हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा एक बुरा वक्त है जो कि बहुत जल्दी ढल जाएगा। ये तभी संभव होगा जब आप और हम मिलकर इसको हराएंगे। तो समझदारी और बेवकूफी में ज्यादा फासला नहीं है, तो इसीलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए।